गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीबीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ। गंभीर है तो आप क्या, ये मानस बिहारी बर्मा का गांव है, खाने पीने का सब कुछ, रहने का सब कुछ का दिक्कत होता है। माल 10 आदमी का जरूरत पड़े तो कोई किसी का यहाँ हेल्प नहीं कर सकता। सबके घर में पानी सब है, शासन अभी बहुत लापरवाही कर रहा है। सबसे पहले यहाँ के जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ की स्थिति बहुत डैमेज है। नमस्कार, इस समय मैं आ गया हूँ दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के हिस्सा में। ये बाढ़ है और बाढ़ के बारे में, ये बाढ़ वैसा गांव है जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये वही बाढ़ है जहां से भावना कंठ जैसी शख्सियत आज दुनिया में अपना नाम छोड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बाढ़ की स्थिति क्या है वो सीधे मैं आपको दिखला रहा हूं। यहां की जो स्थिति है, किस तरह से लोग यहां परेशान है और क्या कुछ यहाँ कमियां हैं, प्रशासन क्या कह रहे हैं और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, आइए मैं क्या यहाँ की स्थिति अभी क्या है। स्थिति बहुत गंभीर है। इस गंभीर में जो है ना, सो सुनने का लायक नहीं है। इस चीज की जो है यहाँ पर जो है, हम लोगों का बहुत हालत गंभीर है। गरीब आदमी क्या है, बोला हम लोगों को मतलब तुरंत बात भी मिल जाता तो कुछ घोषणा हो जाता। गरीब है कहने का मतलब है कि गरीब है क्या कहें, क्योंकि इनका जो कहना है कि मैं गरीब हूँ तो क्या कहूँ। यहाँ और भी लोग हमारे बीच हैं। क्या नाम है आपका? आजाद कुमार यादव। अच्छा, कहाँ के हैं आप? बोर से। क्या स्थिति यहाँ की, क्या स्थिति अभी? यहाँ का स्थिति बहुत गड़बड़ है, देख रहे हैं पानी इतना आ गया है, आदमी निकलना मुश्किल है। पशु जानवर सब ऐसे ही मर रहा है, डूब जाएगा, खाना बना के खाएगा वो भी नहीं है, पूरा गीला हो गया। आदमी का यहाँ रहने का भी इतना समस्या है, जो किसी के पास घर भी नहीं है जो अपना आराम से सो सके घर में। श्यामपुर का ये निचला हिस्सा है बोर, और ऐसे में हर साल हमेशा प्रभावित होता है। एकमात्र सोल्यूशन है वो है पुनर्वास। तो पुनर्वास के लिए जो है यहाँ लोग मांग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पुनर्वास के लिए हम लोग जगह दे रहे हैं लेकिन ये जा नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का तो कुछ कहना ही अलग है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि पुनर्वास के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, पुनर्वास नहीं दिया गया। अगर ऐसा होता तो जिला प्रशासन DCLR को अभिलेख के लिए तुरंत आदेश नहीं करते। तो इससे जाहिर होता है कि स्थानीय प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। हमेशा लगातार बाढ़ के लोग प्रभावित होते हैं। बाढ़ ही नहीं, आसपास का कई ऐसा गांव है जो हमेशा से प्रभावित होता रहा है, लेकिन उसका सही सोल्यूशन नहीं है। बोलिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? सर, इसका एक ही सोल्यूशन पुनर्वास होना चाहिए। जबकि इससे 3 साल पहले हम लोग प्रस्तावित फॉर्म भर के दिए थे लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। और जैसे बाढ़ आता है एक फॉर्म थमा देता है, सबको बोलता है भरने के लिए, बस काम निकल जाता है, फिर कोई देखने वाला नहीं रहता है। ये तो एक बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं स्थानीय प्रशासन पे कि हर साल बाढ़ आती है, फॉर्म भरवाया जाता है लेकिन बाढ़ जाने के बाद उस फॉर्म का कुछ होता नहीं है, बस वो एक कहा जाए तो कागजी रूप से यहाँ काम किया जाता है। यहाँ का स्थिति बहुत डेंजर रहता है, चाहे वो माल हो चाहे वो आदमी का हो, सबके साथ गंभीर रूप रहता है। जाने वाने का सबसे पहले सब साधन बंद, नाव का साधन रहता है, रिस्क खेल के लोग जाते हैं बांध पे, चाहे इन लोग को एक सब्जी लेना पड़ता है तो रिस्क खेल के जाते हैं इन लोग। सबसे पहले इन लोग को पुनर्वास देना चाहिए। ना कहीं रिस्क तो है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ रिस्क लेकर के ही आते हैं। यहाँ के लोग तो पहले से प्रभावित है, परेशान है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर जो दर्द है बहुत कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि हर साल सिर्फ ठगा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि हर साल फॉर्म भराया जाता है लेकिन काम नहीं होता है। हर साल जब बाढ़ आता है तो प्रशासन यहाँ के आश्वासन दे के इन लोग को छोड़ दिया जाता है। उस आश्वासन का कभी भी अस्थायी रूप से उनका निराकरण नहीं, अशासन प्रशासन नहीं किया है आज तक। हम करीब यहाँ का बार हम 2007 से देख रहे हैं, 2007 से यही स्थिति हम देख रहे हैं। अब इन लोग को एक, हम तो शॉर्टकट में बोले, यदि इन लोग को एक पेन का टैबलेट लेना है, ये लोग नौ से जाएंगे घनश्यामपुर हैं, तो यदि एक आदमी नौ से चले गए पेन के टैबलेट के, दूसरा आदमी को यदि कुछ हो गया तो फिर वो लोग इंतजार करते हैं नौ को, तो कहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? स्वाभाविक है, दर्द है, क्योंकि ये जो है निचला हिस्सा है और यहाँ के लोग हमेशा से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। अब इस बाढ़ का एक ही निदान है, वो है पुनर्वास। अगर पुनर्वास इन लोगों को मिल जाता है तो ये लोग हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे।
अब पुनर्वास पे राजनीति हमेशा से होती आई है, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो। जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमेशा ये इस चीज़ की आवाज़ उठाते हैं, खास करके वो लोग जो विपक्ष में बैठते हैं, उनकी हमेशा से यही मांग होती है कि भाई मैं पुनर्वास की मांग उठाऊंगा। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद पुनर्वास का चर्चा भी इलेक्शन के साथ दफन हो जाता है। यहाँ तो काफी हवा है, अब तो देखिए लग रहा है यहाँ लोग कैसे जी रहे हैं। स्थानीय प्रतिनिधि मुखिया हो या विधायक हो या हमारे गोपाल जी ठाकुर सांसद हो, उनको सोचना चाहिए कि पुनर्वास जल्द से जल्द इन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। हमेशा सरकार बड़ी बड़ी खोखली वादा करती है। हमारे मंत्री हैं संजय जी ने कहा कि हम नदी से नदी को जोड़ रहे हैं, जो भी उसमें बीच में पड़ रहा है उसको पुनर्वास कर रहे हैं। कहाँ गया पुनर्वास? अगर ऐसा रहता तो इन लोगों का दर्द बांटने आ जाते ना। आज देखते ना, आप हेलीकॉप्टर से चुनावी यात्रा करते हैं, लेकिन कम से कम इन गरीब बेसहारा को देखने के लिए भी तो चले आते। यहाँ की स्थिति क्या है? ये पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ के लोग अब तराही तराही हैं, परेशान है। यहाँ अगर एक टैबलेट की अगर ज़रूरत होगी तो उन्हें नाव से ही जाना पड़ेगा, और ऐसे में नाव कब साथ छोड़ दे ये भी कहना मुश्किल है। तीन चार जगह पहले ही बताया गया कि तीन चार जगह चिन्हित किया गया है, अगर लोग अगर वहां आकर रहना चाहे, पुनर्वासित होना चाहे तो वहां रह सकते हैं। अभी हम लोग हम अपनी टीम के साथ वहां बाढ़ गांव भी जाकर देखने जा रहे हैं, कम्युनिटी किचन वगैरह की जरूरत होगी तो वो चलाया जाएगा। इसके लिए फाइल बढ़ा हुआ है, कुछ आदमी कागज नहीं दिए हैं सहमतिनामा, इसलिए रुका हुआ है। वो भी काम कर ले, चल रहा है जल्दी।